इसके पहले के वीडियो में हमने प्रमुख रूप से आपसे बातचीत किया हुआ था सुपर टेट लेक्चर नंबर 8 पर, और अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे सुपर टेट के लेक्चर नंबर 8 पर, सॉरी 7 पर बात किया था, अब हम यहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं आपसे सुपर टेट के लेक्चर नंबर 8 पर। लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत हम जिस विषय का समावेश कर रहे हैं वह विषय है आपका पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत लगातार हमारी आपकी बातचीत हो रही है किस पर, पारिस्थितिक तंत्र पर। और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने लगातार बातचीत किया आपसे पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बाद हमने आगे बढ़ करके बातचीत किया कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है। प्रकार के बाद हमने उसके घटकों को देखा, और घटक में जैविक अजैविक दोनों पर सामान्य रूप से अपनी एक विचारधारा को बनाई। अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम प्रमुख रूप से आपसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला से प्रमुख रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रमुख रूप से इस वीडियो में बातचीत होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्त कि बात करते हैं जब खाद्य श्रृंखला की, तो खाद्य श्रृंखला कहते किसे, सबसे पहली ये बात तो हम नोट्स के ही तौर पर हम आपको लिख देते हैं कि खाद्य अर्थात भोजन, या भोजन के ना कह करके अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सीधे कह सकते हैं क्या, ऊर्जा। कि खाद्य मतलब ऊर्जा का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की श्रृंखला को की ये भी श्री रहेगा कि श्रृंखला को ही हम क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब ये उदाहरण आप समझेंगे तो बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। पहले इस लाइन पर फोकस रख लीजिएगा कि आपने सीधे तौर पर क्या कहा, आपने बहुत ही स्पष्ट विचारधारा में कहा कि खाद्य, और परितंत्र में खाद्य का मतलब किससे होता है, किसी भी जीव के भोजन से या उसको मिलने वाले परितंत्र से, किससे, ऊर्जा। तो परितंत्र से ऊर्जा मिलती किस रूप में है, भोजन के रूप में है। तो ये ऊर्जा का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ना मतलब वो एक निश्चित श्रृंखला का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ेगी। तो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की जो श्रृंखला है, इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब थोड़ा सा चलिए उदाहरण लेते हैं तब आप खाद्य श्रृंखला समझ पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं कि एक परितंत्र है हमारा, परितंत्र कौन सा है, घास परितंत्र है, दिखाई दे रहा है, चलिए व्हाइट कर देते हैं। जैसे हमारा एक परितंत्र है और इस परितंत्र का क्या नाम है, घास। माना घास परितंत्र को खाया किसने, घास परितंत्र को खाया हिरण ने, हिरण को खाया किसने, शेर ने खाया। तो अब देखिए कि इस परितंत्र में ऊर्जा चली, सबसे पहले ऊर्जा चला किससे, घास से, और घास से ऊर्जा चल करके पहुंचा सबसे पहले किस पे, हिरण पे पहुंचा, और फिर हिरण से ऊर्जा कहां गया, हिरण से ऊर्जा आया शेर के पास। ऊर्जा एक निश्चित क्रम में गया है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शेर सीधे घास से ऊर्जा ले ले, नहीं, कभी नहीं हो सकता।
जब भी ऊर्जा जाएगा तो घास से हिरण लेगा और हिरण से तभी शेर ले पाएगा, अन्यथा घास से सीधे शेर नहीं ले सकता। यही हमारी जो निश्चित श्रृंखला है। अब देखिए, अब आगे बढ़ने की जो हमारी निश्चित श्रृंखला है, निश्चित क्रम में ये आगे बढ़ रहा है, वो क्रम को नहीं तोड़ सकता है। यही हमारा क्या कहलाएगा? खाद्य श्रृंखला। चलिए एक और उदाहरण लेकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं घास परितंत्र की, और घास परितंत्र में जैसे हमने ये देखा कि घास परितंत्र लिया और घास परितंत्र को खाए किसने? कीड़े खाए, कीड़े खाए। और कीड़ों को किसने खाया? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कीड़े को खाया सांप ने, और सांप को किसने खाया? तो आप ध्यान दीजिएगा, सांप को खाया किसने? मोर ने खाया। ठीक है, बस इतना बहुत है। अब ये बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि सीधे सांप घास खा ले? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अच्छा छोड़िए, मोर सीधे घास खा ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, जब भी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ेगा, ये एक निश्चित क्रम का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ेगा, और यही जो हमारे निश्चित क्रम की श्रृंखला है, यही क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आपसे हम खाद्य जाल की। जब हम बात आपसे खाद्य जाल की कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए बहुत सरल सी लाइन लिखी जाती है कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के आपसी संबंध, खाद्य श्रृंखला के आपसी संबंध को ही खाद्य जाल, को ही खाद्य जाल कहा जाता है, को ही क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। अब आइए जैसे देखते हैं। अब अगर हम जैसे की बात कर रहे हैं अगर हम आपसे, तो आप बड़े सरल शब्दों में देखिएगा, जैसे घास है, ये एक हमारा परितंत्र हो गया, घास हो गया। घास को खाता है बकरी, घास को खाता है कौन? कीट खाता है। घास को ही कौन खाती है? गाय खाती है। और इसी को कौन खाता है? हिरण खाती है। इसी को आप लिख सकते हैं कौन खाता है? भैंस खाता है। अब अगर हम ऐसे देखें, इस तरीके से, अब अगर हम बात करें एक शेर की, तो अब ध्यान दीजिएगा कि शेर भैंस को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, गाय को भी खा सकता है, हिरण को भी खा सकता है। अब ठीक इसी प्रकार से, अब जैसे अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं आपसे सांप की, तो अब ध्यान दीजिएगा कि सांप कीट को खा सकता है। अब अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं बाज की, चील या बाज की, तो अब ये सांप को भी खा सकता है और ये कीट को भी खा सकता है। देखिए, ये जो आपके खाद्य श्रृंखला की जो निश्चित, यहाँ पे जो निश्चित खाद्य श्रृंखला थी, इसका जो आपसी संबंध बना, देखिए जालनुमा संरचना बन गया। तो यही हमारे क्या कहलाता है? यही हमारा प्रमुख रूप से कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा का प्रसार पूछता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रसार, तो ऊर्जा का प्रसार, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रसार जो होता है वह कैसा होता है? चक्रीय होता है, मतलब चारों ओर फैलता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा का प्रसार चक्री होता है, लेकिन ऊर्जा जो गति करती है, ऊर्जा वह गति हमेशा एक दिशा में ही करती है। ये ऐसा नहीं है कि कई दिशा में, जैसे कहीं से भी देखिए, घास से बकरी खाया, बकरी को शेर खाया, शेर कभी भी घास को नहीं खा सकता। ऊर्जा एक निश्चित
निश्चित क्रम में निश्चित दिशा में ही जा रहा है। यहीं से इसके घास को भैंस ने खाया, भैंस को शेर खाया, शेर घास को नहीं खा सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए ये बातें कही जाती हैं, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। और जब हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं तो ऊर्जा के पिरामिड के क्रम पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न आता है। ऊर्जा का पिरामिड, अब अगर हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं तो आपको एक पिरामिड बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ये ले लिया, चलिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये ऊर्जा का पिरामिड है, तो सबसे पहले ऊर्जा चलती कहाँ से है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। अब सूर्य से ऊर्जा लेकर के सबसे पहले ऊर्जा किस में आती है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ऊर्जा आती है किस में, उत्पादक में, अर्थात इसी को कहा जाता है क्या, पौधे प्राप्त करते हैं। उत्पादक को कौन ग्रहण किया, इसको ग्रहण किया किसने, प्राथमिक उपभोक्ता ने। और इसको किसने ग्रहण किया, इसको ग्रहण किया किसने, द्वितीयक उपभोक्ता ने, द्वितीयक उपभोक्ता ने। और इसके बाद कौन ग्रहण किया, तो आप ध्यान देंगे कौन, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक। तो अब देखिए यहाँ से दो तीन प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बना कि ऊर्जा के पिरामिड में या परितंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो आपने सीधे तौर पर बता दिया कौन है, सूर्य है। अगर कहता है कि परितंत्र में ऊर्जा कितने स्तर में आगे बढ़ती है या कितने स्तर में प्रसार करती है, तो देखिए भाई सूर्य तो हमारा एक स्थिर, परितंत्र का एक स्थिर भाग है, तो पहले नंबर पर आगे बढ़ी, दूसरे नंबर पर आगे बढ़ी, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, तो टोटल संख्या कितना हो गया, चार हो गया। ऊर्जा कितने स्तरों तक गति करती है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। अब आगे की ओर बढ़िएगा, अब आपको यहीं पर जानना पड़ेगा लिंडमैन के 10% का नियम। लिंडमैन का यहां पर हम लिख देते हैं कि लिंडमैन, इन्होंने चूंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इन्होंने 10% का नियम कौन दिया, तो लिंडमैन के 10% का नियम, 10% का नियम, इन्होंने लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। इन्होंने कहा कि ऊर्जा, आप देख रहे हैं गति कितने स्तर कर रही है, चार स्तर, और जा कहां से रही है, अगर सूर्य को ले लिया जाए तो जा रही है मतलब पांचवें से, लेकिन जाती कितने में है, अगर एग्जाम में तो चार ही। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब अगले स्तर पर, एक स्तर से अगले स्तर पर ऊर्जा जाती है, तो वहां पर अगले स्तर पर ऊर्जा जाने पर उस 10% ऊर्जा अगले स्तर पर जाता है, अगले स्तर पर क्या होता है, प्राप्त होता है, और 90% ऊर्जा का क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाती है, या अब चूंकि देखिए ऊर्जा तो कभी समाप्त तो होती नहीं है, तो ये परिवर्तित हो जाती है, या कह दिया जाता है कि जाती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। कैसे, इन्होंने कहा कि जैसे सूर्य से 1000 कैलोरी ऊर्जा चला, तो जब ये सूर्य से गया उत्पादक में, तो यहां आकर के ये कितना कैलोरी हो गया, 100 कैलोरी, ठीक है। अब फिर लिंडमैन ने कहा जब ये अगले स्तर पर जाएगा तो ये घट करके कितना कैलोरी हो जाएगा, 10 कैलोरी, और फिर जब अगले स्तर पे जाएगा तो ये घट करके कितना कैलोरी हो जाएगा,
एक कैलोरी हो जाएगा, और फिर जब इसके अगले स्तर पर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 कैलोरी हो जाएगा। अब 0.1 कैलोरी के 10% से कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए गति, अब देखिए गति केवल कितने में किया, 4 ही में किया, यहाँ से तो चला ही था, गति केवल 4 ही में आगे की ओर किया, 1, 2, 3 और 4। यही बात किसने दिया है, ये बात दिया है लिंडमैन ने अपने 10% के नियम द्वारा। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब इससे जो नोट्स बनेगा ऊर्जा के पिरामिड से, उसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, सबसे पहली बात लिखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा होता है। ये बात आपने देखा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि उपभोक्ता ऊपर से नीचे ऊर्जा आएगी, जब भी ऊर्जा होगा इधर से उधर जाएगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, सबसे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परितंत्र में, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सूर्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक गति करती है, ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक गति करती है। नेक्स्ट, लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में 10% का नियम दिया था, ठीक है, लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में 10% का नियम दिया था। आगे की ओर बढ़िए और एक लास्ट लाइन इसमें लिखेंगे, 10% का नियम यह बताता है कि ऊर्जा अगले स्तर पर केवल 10% ही पहुंचती है, इसका 90% रूप परिवर्तित, मतलब ह्रास कह सकते हैं, रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये प्रमुख रूप से हमारा क्या था, ये हमने ये देखा कि लिंडमैन के 10% का नियम और ऊर्जा का पिरामिड था। अब एक लास्ट बात आपको और जानना पड़ेगा, अर्निस नेस, इन्होंने 1972 ईस्वी में इन्होंने अपनी विचारधारा दिया था
और इनकी जो विचारधारा है ये दो रूपों में जानी जाती है, एक है प्रकृति केंद्रित विचारधारा और एक इनकी विचारधारा है कौन सी, सतही विचारधारा। इनकी विचारधारा जो है, हालांकि कभी इससे एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर अगर घुमा दिया, तो एक है प्रकृति केंद्रित विचारधारा एक है हमारी प्रकृति केंद्रित विचारधारा और एक हमारा कौन सा है, मानव केंद्रित विचारधारा, मानव केंद्रित विचारधारा, ये दो हमारी विचारधाराएं हैं। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि अर्निस्ट नेस, प्रमुख पर्यावरणविद एवं खगोल शास्त्री अर्निस्ट नेस ने प्रकृति केंद्रित विचारधारा या मानव केंद्रित विचारधारा कब दिया था, 1972 ईस्वी में। अर्निस्ट नेस द्वारा प्रतिपादित विचारधारा है तो ये ए हो गया, बी हो गया, ए बी दोनों कह सकता है, तो ये यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने प्रकृति को श्रेष्ठ माना। ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले बता भी चुके हैं। ये अर्निस्ट नेस ने क्या कहा, इन्होंने प्रकृति को श्रेष्ठ माना, इन्होंने कहा कि इस परितंत्र में, इस पृथ्वी पर सब कुछ कौन है, प्रकृति है। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है प्रकृति है, उसी के मर्जी, उसी के अनुसार सारा कार्य, सब कुछ हो रहा है और उसी के अनुसार हो रहा होता है, ये इनकी विचारधारा है। लेकिन कहा कि ये प्रकृति के अनुसार जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक चीज़ें केवल हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, जैसे दिन रात का होना, बहुत सारे, आप चाहे जितना ट्यूबलाइट लगा लीजिए लेकिन सूर्य की रोशनी से मिली जो प्रकाश है और जो आपको ट्यूबलाइट से प्रकाश है, आप उसको एक समान नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि कुछ मामले में श्रेष्ठ कौन है, प्रकृति भी है, तो यहाँ प्रकृति और मानव, तो इसमें इन्होंने किसको श्रेष्ठ माना, मानव को इन्होंने श्रेष्ठ बताया, या इन्होंने मानव को यहाँ पे प्रकृति से अलग बताया, या इन्होंने इसको थोड़ा सा आगे बताया। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने कहा प्रकृति गेहूँ, प्रकृति धान कर सकती है, लेकिन उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो सुपाच्य है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, भोजन बनाना, बहुत सारी क्रियाएं, वो प्रकृति सीधे नहीं कर सकती। अगर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होता तो उन चीज़ों का उपयोग नहीं हो पाता, तो ये विचारधारा इनकी क्या कहलाती है, मानव केंद्रित विचारधारा। तो ये प्रमुख रूप से अर्निस्ट नेस की विचारधारा है। तो ये प्रमुख रूप से हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है, और जो कुछ बचे आयाम होंगे या जो कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज होंगे वो प्रैक्टिस के माध्यम से और भी आप में मजबूत कर देंगे। तो चलिए दोस्त, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी